चेक करने के लिए आई बुलाया तो है ना, वो चेस्ट पर ही स्ट्रेट हाथ रख दिया। एक बार गलती कर रहे हैं तो दोबारा फिर चेस्ट पर आप हाथ डाल दिए उस मासूम बच्ची पर। भागलपुर में आग का इलाज कराने पहुंची एक युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। शनिवार की शाम एक नाबालिग युवती डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर क्लिनिक में ही जमकर हंगामा की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फतेहपुर निवासी नाबालिग युवती पंचवटी होटल के ठीक बगल में सनातन क्लिनिक आंख का इलाज कराने के लिए पहुंची थी। इसके बाद डॉक्टर संजय कुमार युवती को डार्क रूम में ले गए, जहां पर आंख बंद करने को कहा और ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया। युवती के द्वारा बार बार हाथ हटाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने नहीं हटाया। इसके बाद लड़की चिल्लाने लगी और हंगामा शुरू कर दी। युवती ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलकामांझी पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों को शांत करवाया। पीड़ित युवती ने बताया कि आंख का इलाज कराने के लिए हम आए थे, डॉक्टर संजय कुमार डार्क रूम ले गए, वहां पर आंख बंद करने के लिए कहा। इसके बाद ब्रेस्ट पर एक नहीं कई बार उन्होंने हाथ रखा। डॉक्टर मेरे साथ इलाज के नाम पर खेल गए। इसके बाद हम चिल्लाने लगे और घटना की जानकारी परिजनों को दी। डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ना मतलब चेक करने के लिए आई बुलाया तो है ना, वो चेस्ट पर ही स्ट्रेट हाथ रख दिया। आज जब तक चेक करते रहे ना तो वो हाथ रखे रहे, और हम हाथ हटाने की कोशिश भी करे तो वो हाथ नहीं हटाए। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार के पास आए थे और हाथ हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, पर उन्होंने नहीं करा, वो मेरे साथ खेल गए। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि डॉक्टर अगर आई केयर का डॉक्टर है तो उसको ब्रेस्ट से कोई मतलब नहीं है। एक बार गलती हो गई तो दोबारा फिर मासूम बच्चे की ब्रेस्ट पर हाथ धर दिया। यह डॉक्टर या हैवान, मुझे तो नहीं लगता कि यह डॉक्टर है। जब हम लोगों ने हंगामा शुरू किया तो डॉक्टर ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तो माफ कर देता हूँ। केयर है तो उसे चेस्ट से कोई मतलब नहीं होती है। एक बार गलती कर रहे हैं तो दोबारा फिर चेस्ट पर आप हाथ डाल दिए उस मासूम बच्ची पर, तो ये बताएं कि ये डॉक्टर है या हैवान है। मुझे तो नहीं लगता है कि डॉक्टर है, या कहीं ऐसा नहीं कि कोठा खोल करके ये बैठा हुआ, ये सेक्स 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 वाले डॉक्टर बन गए। इसका मतलब आई केयर डॉक्टर संजय कुमार उन्होंने माफ़ी मांगा कि अब आइंदे नहीं होगी इस तरह से, जो भी गलतियां हो गई एक्सेप्ट किया। मैं बस यही चाह रहा हूं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मैं उसे एक्सेप्ट मान लिया हूं। आगे ये मैं दूंगा कि ऐसे सब डॉक्टर से जरूर आप लोग बार बार देखें, इंटरव्यू लें और देखें। मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूं, मैं पेरेंट्स होकर के मैं बोल रहा हूं, अगर प्रशासन भी साथ में है, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हमारी गलती हुई है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं पेरेंट्स होकर के मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं गलती माफ़ी मामी मांग लिया है तो मैं माफ़ी कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने बताया कि डॉक्टर के यहाँ 3 दिन से घूम रहे थे। पिछले 3 दिनों से बेटी को भाई के संग क्लिनिक भेज रही थी, लेकिन इलाज नहीं किया गया। शनिवार को जब अकेली इलाज कराने के लिए भेजी तो डॉक्टर प्राइवेट पार्ट को बार बार टच कर रहे थे, बार बार हटाने पर भी नहीं हटाया। जब लड़की चिल्लाने लगी तब डॉक्टर को क्लिनिक से कहीं दूर भेज दिया गया। के साथ भेजा बेटे के साथ, ठीक है कि जाके आँख चेक करवा लो, बुलाइश था आज के दिन, हम भेज दिए। तीन दिन से लगातार जा रहे हैं तो उनके पापा आ रहे थे, तो ऐसा कोई बात नहीं, इनको आज हम अकेले भेज दिए। जब अकेले भेज दिए तो ये जो क्या करे, छाती पर हाथ रखे जा रहे हैं बार बार, तो ये हटाए जा रही, फिर रख रहे हैं, फिर हटा रही, फिर रख रहे हैं। वही मैं जब चिल्लाने लगी, ये लड़की हंगामा करने लगी, तो डॉक्टर साहब को यहाँ से हटाया दिया गया। हम लोग आए तो डॉक्टर को सामने नहीं ला रहे, आँख वाला चेक करते हैं संजय वही, और उनके भतीजे आ गए बात करने के लिए। अगर ठीक है, भतीजे क्यों आए, उनको सामने न लाए थे, हम लोग फतेहपुर से आए। डॉक्टर संजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गलती हुई है, हमने माफी मांग ली है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मामले को लेकर तिलकामांझी थाने के SI ऑन ड्यूटी ऑफिसर दिनेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर ने गलती की माफी मांग ली है। पीड़ित द्वारा अगर लिखित रूप से आवेदन दिया जाता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। अरे हमारे चाचा जी आँख देख रहे थे, आँख पुराने डॉक्टर जो होते हैं ना वो डार्क रूम में स्लिट लैंप यूज करते हैं। स्लिट लैंप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि अंधेरे रूम में स्लिट माने एक छोटी सी रोशनी के द्वारा आँख को देखा जाता है। उसमें है कि पेशेंट को डॉक्टर के नज़दीक बैठना पड़ता है, और उस क्रम में उस लड़की के साथ, लड़की के बदन में हाथ सट गया, एग्जैक्टली क्या हुआ हमको भी नहीं पता,
हंगामा सुने तो हम भी दौड़ के भागे वहाँ। तो उस लड़की का आरोप है कि हमारे चाचा ने ऐसा किया, लेकिन अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ ऐसा कोई ये नहीं, गलती से भी ये सट सकता है ना, यही हुआ। इसको लेके काफ़ी हंगामा, तोड़ फाड़, उनका पूरा लेंस का बॉक्स उठा कर लोग फेंक दिया सब कुछ। और जब लड़की यहाँ आई तो लड़की को हमने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे हंगामा कहीं से नहीं होगा, अपने अपने गार्जियन को बुला के लाओ, गार्जियन लोग यहाँ आएंगे, बैठ के बातचीत होगी क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी अपना पक्ष रखेंगे कि जानबूझ के हुआ, धोखे में हुआ, तो किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है ना। कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट को देख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके नज़दीक ही जाके देखेगा, दूसरे देख नहीं सकता है जब उस तरह का सिचुएशन है। अब वो लड़की ऐसे उम्र में छोटी है, हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रही है। हम ही लोग पेशेंट को देखते हैं कभी, इधर इतने सारे लोग रहते हैं, कभी किसी के बदन से हाथ सड़ जाता है, कभी कुछ सड़ता है, तो ये धोखे में होता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिन्होंने जानबूझ के किया या क्या किया, जो भी हुआ इसको बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से सुलह करना है। इतने इस तरह से लोग हंगामा कर रहे हैं आकर, अच्छा खासा उनका नुकसान है। देखिए कोई भी डॉक्टर रहेगा जब इतना हंगामा देखेगा तो शर्म यही ना बोलेगा, वो लड़ने तो जाएंगे नहीं, उनसे भगझक तो करेंगे नहीं, उनका उम्र 70-75 के आसपास है, वो तो चिल्ला चिल्ली करेंगे, हम लोग चिल्ला रहे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो तो नहीं तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे भाई शांत हो जाए मामला, तो हाँ चलो हमने माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांगने के कहा गया माफ़ी मांग ली, यही हुआ। तोड़फोड़ किया उसने तोड़फोड़ किया, कार्रवाई हम लोग क्या करेंगे, उठा के पूरा लेंस का पूरा बॉक्स उठा के फेंक दिया गया। गलत आरोप लगा रहे हैं ये, हम लोग तो कोई होते नहीं डिसाइड कर रहे, अगर उनको करना तो कोर्ट जाके करेंगे, तो कोर्ट डिसाइड करेगा सही है कि गलत है। आप या हम ही के साथ अगर ये घटना घटेगी तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे बताइए आप, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और डॉक्टर लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, डॉक्टर जब किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर स्वाभाविक से बात है उस शरीर के नज़दीक ही रहेगा। अब कोई अगला व्यक्ति उसको कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैसे कर बोल, जब आप और हम दोनों में से कोई वहाँ नहीं था, हम लोग कैसे किसी पर ही करें, और हम ये कैसे मान लें कि हमारे चाचा ने ये किया, ये बात को हम कैसे मान लें, इस बात को हम तो यही बोले कि अरे बैठ के बात करो, शांतिपूर्वक से बताओ, तुम अपना बात बताओ, डॉक्टर साहब अपना बात बताएंगे, गार्जियन को बुलाओ, मोहल्ला टोला को बुला के तो हंगामा करने के 10 लोग खड़े हो ही जाते हैं। सूबे में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भागलपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन के कई नेता सड़क पर उतरे। भागलपुर में बड़ी तादाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वही इंडिया गठबंधन द्वारा सरकार के खिलाफ निकाले जा रहे प्रतिरोध मार्च को लेकर भागलपुर के घंटाघर चौक से लेकर जिला समाहरणालय के कचहरी चौक तक भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन ने एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकाला है। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। राजद ने इस मार्च को लीड किया, जबकि कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। ये सरकार का जो आप लोग देख रहे हैं, भागलपुर जिला में प्रत्येक दिन 5 हत्या हो रही है, बिहार में सैकड़ों हत्याएं रोज हो रही है, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल था तो उस समय कहता था एक दो हत्याएं होती थी, कहता था जंगल राज है, अब एक जिला में 5 हत्या हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, पुल का गिर रहा है, इस्टीमेट घटोला हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, थाने के सामने जो है थाने का जो है बाजारीकरण हो गया है, पुलिस अपराधी के सामने नतमस्तक हो गया है, गरीबों को जो है फंसा देता है और पैसा के बल पर जो दोषी होता है उसको छोड़ देता है, इसी के खिलाफ में हम लोगों को आक्रोश है। उस समय हम लोगों की सरकार जो गरीबों की सरकार थी, कोई घूस नहीं लिया जाता था, थाने में जो है सुना जाता था, यदा कदा बिहार में एक दो हत्या होती थी कहती थी जंगल राज है, जंगल राज है। अब इनसे पूछिए, अब बिहार में जंगल क्या महा जंगल राज होता है। एक समय में आए थे देश के प्रधानमंत्री जी, वाजपेयी जी, 3 जो अपहरण हुआ था, लेकिन अपहरण नहीं हुआ था, वो साजिश था अंकित किसलिए दीपक, उसको एजेंडा बना करके पूरे बिहार में आंदोलन करवाया। अब तो भागलपुर में 2 हत्याएं होती है, सामूहिक 3 हत्या होती है, सामूहिक बलात्कार होता है, अब जंगल राज कहाँ, अब तो महा जंगल राज। इस बेशर्मी सरकार को अविलंब हत्या के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, इस्टीमेट घटोला के सवाल पर, और गरीबों को मिलने वाले सरकारी सुविधा जो प्रखंड से जिला स्तर तक घूस के रूप में तब्दील हो गया है, उस पर रोक लगाए, नहीं तो महागठबंधन पूरा बृहद स्तर पर आंदोलन करके
इस सरकार के खिलाफ में जो है बुगुल फूकेगा। अपराध और विधि व्यवस्था को ध्वस्त जो हो गया है उसके विरोध में तमाम इंडिया महागठबंधन के जो है हम साथी आज विरोध मार्च जो है भागलपुर में भी निकाले हैं, प्रतिरोध मार्च, और पूरे बिहार में जो है इसका प्रतिरोध मार्च निकला है। जो स्थिति देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो जो दुर्दशा किया है देश का और जो है प्रदेश का, वो शर्म की बात है। कोई भी नागरिक जो है सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जो है वृद्ध हो। अभी आपने देखा कि जो है वीआईपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो उनके पिताजी का जो है नृशंस हत्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है विधि व्यवस्था एकदम खोखला हो गया है। और इस खोखले विधि व्यवस्था में हम तमाम जो है जनता त्राहिमाम में है। इस त्राहिमाम से निजात दिलाने के लिए जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं डबल इंजन की सरकार, उसको जो है नींद से जगाने के लिए हम लोग जो है प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार की नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचे। इस दौरान NDA कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री नितिन नवीन ने नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्रावणी मेले में हो रही समस्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन अधिकारियों के साथ मामी गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए दोनों गंगा घाट में गंगा पूजन करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेले में कांवरियों को बेहतर सुविधा के लिए विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई। गंगा घाट से कांवरिया मार्ग तक पानी, शौचालय, विश्राम स्थल, रेन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर पर्याप्त मात्रा में सुविधा देने का आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही CCTV कैमरे, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कांवरिया पथ में गंगा बालू बिछाई गई है, जो तेज धूप में गर्म होने पर पानी का छिड़काव करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है, और जो भी खर्च होगा इसके लिए स्वीकृति की जाएगी। इस दौरान कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, SDO धनंजय कुमार, DSP चंद्रभूषण कुमार, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष प्रंजन एवं कहलगांव, सबौर, तालापुर, कटोरिया के भी सभी पदाधिकारी एवं जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सहित NDA कार्यकर्ता मौजूद थे। विभाग और जिला प्रशासन और अन्य विभाग सब लोगों ने कई चीजों की तैयारी की कर रखी। जो एडिशनल चीजें जो मुझे अभी इन लोगों के चर्चा पहले भी जो श्रावणी मेला को लेकर विभाग के तरफ से जो निर्देश आते हैं सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर, क्या उसे लेकर बाकी
कहीं कहीं पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये जिला प्रशासन और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं, शायद उसमें PhD कहिए, टूरिज्म कहिए, नगर विकास विभाग कहिए, ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा सर्वे मेला एक अच्छे प्रयास से हो, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है, जैसे CCTV कैमरा की बात आई, तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो उसका प्रस्ताव हमको दे, वो CCTV कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी, तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा देगा। जहाँ पर यात्री शेड की बात है, तो जहाँ जहाँ पर भी यात्री शेड की आवश्यकता होगी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि रेलवे की ज़मीन पर हमारे पास जो घाट पे है वहाँ पर और आवश्यकता हो सकती है, तो 1000 का टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बनाया है, 500 जिला प्रशासन ने बनाया है, तो वहाँ पर 1000 और लोगों का यात्री शेड नगर विकास विभाग के तब से भी बन जाएगा। इसकी पूरी चिंता नगर परिषद और जिला प्रशासन मिलकर करेगा। इसके अतिरिक्त भी रास्ते में जो वाटर की क्यूरिंग है, उसमें भी पूरी तरह से नगर विकास विभाग भी मुस्तैदी से करे, क्योंकि जो गंगा बालू है वो अगर सूखा रहता है और गर्म होने पर लोगों की हमारे यात्रियों को चलने में दिक्कत आएगी, तो उसके दृष्टि से भी मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि हर छोटे छोटे दूरी पे जो कंसर्निंग BDO या EO, या नगर के क्षेत्र है तो EO देखेंगे, अगर पंचायत के क्षेत्र है तो BDO देखेंगे, कहीं भी जो सैंड है उसकी फिलिंग ठीक से रहे, जो PWD के अंतर्गत ऑलरेडी टेंडर में है, और EO नगरीय क्षेत्र में इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, जहाँ भी दिक्कत आएगी तो जिला प्रशासन उसको मॉनिटर कर सकता है। तो ये एक निर्देश दिया है। रास्ते में भी कहीं पर और शेड की आवश्यकता होगी, जैसे एक बार अभी आया था कटोरिया के विषय में, तो जहाँ पर भी शेड की आवश्यकता होगी, अभी भागलपुर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो और जिला प्रशासन से बैठक होगी, तो वहाँ पर भी जो दिक्कतें आएंगी उसको भी हम नगर विकास विभाग दूर करेगा। हम सब का प्रयास है कि सावनी मेला में सभी भक्तजनों को पूरी सुविधा मिले, और जो कड़ा निर्देश हम लोगों ने दिया है कि भाई किसी भी हाल में स्वच्छता को लेकर, जो शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, रास्ते में जो सफाई की व्यवस्था है, घाटों पर जो सफाई की व्यवस्था है, इसमें कोई कोताही नहीं हो, जो भी कोताही अगर बरतेंगे उन अधिकारियों को इस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई फेस करना पड़ेगा, ऐसी नौबत न आए। कोसी और गंगा से घिरा नौगछिया अनुमंडल में छात्रों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने नौगछिया में मदन अहिल्या महिला कॉलेज का निर्माण तो करवा दिया, मगर दूर दराज से नौगछिया पढ़ने आने वाले गरीब छात्राओं के लिए कई वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास धूल फाक रहा है। इसको लेकर कॉलेज की छात्राएं आज से आमरण अनशन पर बैठ गई है। उनकी मांग है कि कॉलेज में वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास को चालू किया जाए। वहीं आमरण अनशन के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई। इसके बाद आमरण अनशन पर बैठी छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। आपको बता दें, नौगछिया पुलिस जिला के एकमात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ भागलपुर सटे कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, बांका, भागलपुर के छात्रा भी लाभान्वित होते हैं। दूर से आने के कारण छात्रा रोज कॉलेज नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका 75% हाजिरी पूरी हो पाए। वैसे छात्राओं को रहकर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज कैंपस में ही 2 छात्रावास का निर्माण भी करवाया गया, मगर वो आज तक चालू नहीं हो पाया। एक छात्रावास वर्ष 2004 में बनाया गया, जिसे हैंडओवर तो कर दिया गया, मगर वो आज तक चालू नहीं हो सका। वहीं वर्ष 2008 में भी एक और छात्रावास का निर्माण करवाया गया, जो अब तक हैंडओवर तक नहीं किया गया। दोनों छात्रावास का आलम यह है कि वो खंडर में तब्दील हो चुका है, दीवारें झड़ने लगी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिना छात्रावास चालू हुए ही मरम्मती का कार्य करवाना अति आवश्यक है। इसके बावजूद अब तक छात्रावास को चालू नहीं करवाया गया, जिससे छात्रों को पैसा खर्च कर दूर दराज से कॉलेज आना पड़ता है। वहीं छात्रावास को चालू कराने को लेकर छात्राओं ने लगातार महाविद्यालय से मांग पत्र, विश्वविद्यालय में कुलपति को मांग पत्र, धरना प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि छात्रा भूख हड़ताल पर भी बैठी, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखें नहीं खुली। अगर महाविद्यालय में छात्रावास रहता तो फिर यहाँ की छात्राओं को परेशानी नहीं होती। समस्या तो यहाँ पे बहुत सारी है। पहले तो पानी पीने की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग को आयरन वाला पानी पिया जाता है, और जाके बच्चे तबियत खराब हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन कॉलेज नहीं आ पाते हैं, और फिर जाके बोला जाता है कॉलेज में कि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो नाम काट करके हटा दिया जाएगा, और फिर दूसरी कि ग्राउंड में मतलब कि पूरा बिखरा हुआ है, ग्राउंड खेलने लायक नहीं है, और तीसरी कि हम लोग NCC के कैडेट्स हैं, और फिर भी NCC का रूम दिया नहीं गया है सही से, और ना ही कोई मतलब कि टीचर भी है, तो टीचर्स अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में, और सब्जेक्ट के भी टीचर नहीं है, और मतलब कि हम लोग को बहुत सारे इतने मतलब कि समस्या है जो कि पूरी नहीं हो रही है। समस्या तो कॉलेज में बहुत सारी है,
हमारे क्लीन कैंपस नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं है और ना ही तो पानी पीने की सुविधा है और छात्रावास यहाँ चालू नहीं हुआ है। बहुत दिन से बना हुआ पड़ा हुआ है लेकिन इसमें छात्रा रह नहीं सकती है और जब पढ़ाई करने आती है तो बीच में पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ता है क्योंकि उसका ट्रेन आने वाला होता है, उसमें ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है, इसी बीच में वो पढ़ाई को छोड़ के चले जाती है। और फिर एक कॉमन रूम नहीं दिया गया हुआ है और शिक्षक की सबसे बड़ी तो ये है कि शिक्षक नहीं है फिर भी एडमिशन हो रहा है। छात्राएं सर अमरनाथपुर बैठी है, क्या कुछ मामला है सर? इसमें छात्राएं बैठी हुई हैं, हमको 15 तारीख को इन लोगों ने पत्र दिया कि हम आमरण अनशन करेंगे। मैंने इनकी समस्याओं को कुलपति को प्रेषित कर दिया, विश्वविद्यालय को सूचना दे दी और कुलपति से मेरी बात भी, और कुलपति ने कहा कि मैं गंभीरता पूर्वक इनकी समस्याओं पर विचार करूंगा और उन लोगों को कहिए कि अभी आंदोलन नहीं करें, हमसे आके मिले। अभी एक छात्रा तो बेहोश हो गई है, उनका कहना है आज तो हम महाविद्यालय जिस समय आए 9:30 में, तुरंत मैंने पानी की व्यवस्था उन लोगों के लिए की, दरी भिजवाए, कुछ बोली कि गेस्ट हैं तो कुर्सी भिजवाए और कहे कि तुम लोग शांति से अपना कार्यक्रम है तो उसको समेटो, रिक्वेस्ट किए कि अनशन वापस ले लो। आश्वासन क्या हुआ कुलपति महोदय से? कुलपति ने कहा कि हम मुख्यालय से बाहर हैं, हम लौटेंगे तो उनकी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। हॉस्टल कई सालों से बंद है, हॉस्टल नंबर 1 रिपेयरिंग और उपस्कर के अभाव में, फेंसिंग भी नहीं हुआ है उसका, लैट बाथ कंप्लीट नहीं हुआ है और पानी घुस जाने के कारण फर्श डैमेज हो गया है, दीवार डैमेज हो गया है, तो वह रिपेयरिंग की आवश्यकता है प्लस बिजली की आवश्यकता है, लैट बाथ की आवश्यकता है, उपस्कर की चौकी उकी डेस्क वो सब की आवश्यकता है और उसके सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो आवश्यक है तभी वह चालू हो सकता है। कब तक संभावना है? वह संभावना यही है कि हमने प्रस्ताव बना के भेजा है, पिछले बार ही लोग जो आंदोलन किया था उसी समय मैंने प्रस्ताव बना के भेजा था और इधर सुन रहे हैं कुछ दिन पहले बिल्डिंग समिति की बैठक हुई और उस बैठक में उस पर विचार करके टेंडर होने की प्रक्रिया है। पैदल आपूर्ति का भी समस्या है, पानी का भी? पानी की समस्या का हमने समाधान कर दिया, नगर परिषद से मिल के बैठा दिया है ठंडा पानी पीने का और मैं आकर के सबसे पहले उन्हीं लोगों को पानी पिलाया। आज जो आए शिक्षकों की, हमारे यहाँ 5 विषय में शिक्षक नहीं है, उसमें केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है और आर इकोनॉमिक्स है, इन विषयों में शिक्षक नील है। अभी कैसे पढ़ाई हो रही है? साल भर से इसी तरह चल रहा है, किसी में 3 साल से चल रहा है, 3 साल से केमिस्ट्री टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर 2 साल से नहीं, मैथ के टीचर पिछले 6 महीना से नहीं है, दिसंबर में वो भी रिटायर कर गए। इन सब सब्जेक्ट में नामांकन तो हुआ? नामांकन तो अब जब विषय का एफिलिएशन है तो नामांकन विश्वविद्यालय वहीं से ले लेता था, पिछले साल वहीं से ले लिया, इस बार हम लोग ऑफलाइन किए तो लिए, तो कम नामांकन हो पाता है, जिनमें टीचर नहीं है उसमें नामांकन की भी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन नामांकन तो, अब इंग्लिश ऐसे विषय में सबों को पढ़ना है चाहे वह आर्ट्स में रहे या साइंस में रहे, अब टीचर है नहीं तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते।
भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के सरधो पंचायत स्थित बंसी टीकर गांव के वार्ड नंबर एक में कुछ परिवार इन दिनों रास्ते को लेकर काफी चिंतित है। पीड़ित कहते हैं कि विगत 20-25 वर्षों से हम लोगों के घर के आगे पीसीसी सड़क है, जिससे हम लोगों का आवागमन होता है, परंतु इसी गांव के सुधांशु कुमार, पिता स्वर्गीय बालेश्वर पासवान व अन्य लोगों द्वारा सरकारी योजना में बनी ग्रामीण सड़क को तोड़कर पिलर के लिए गड्ढा कर दिया गया है। हम लोगों के द्वारा जब रोका गया तो उक्त लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। वहीं द्वितीय पक्षी सुधांशु कुमार ने कहा कि जिस समय सड़क बना था हम लोग बाहर कर पढ़ाई लिखाई करते थे, सड़क का कुछ भाग मेरे निजी खाते खसरा में आता है, हम अपनी जमीन पर पिलर दे रहे हैं। बहरहाल पीड़ित परिवार ने सरधो पंचायत के सरपंच राजकुमार शाह, सबौर अंचलाधिकारी व सबौर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिक्कत यही है कि मेरे बाल बच्चा को रास्ता घेर रहा है। कौन घेर रहा है? टाइम से चल रहा है। कितना दिन से? बहुत कुछ टाइम। क्या बोलता है वो? सूरत दादा पर सही चल रहा है। क्या बोलता क्या है वो? बोलता है कि मेरे जमीन है, हम रास्ता घेर ले। रोडे घेर रहा है? हाँ। कौन घेर रहा है? टोटो पास में। और सोती मोती सब गोतिया सब है क्या? हाँ, हाँ, सब है। वहाँ खाली जमीन उसी का है? दोनों का है, थोड़ा मेरा भी घुसा है, थोड़ा उसका भी घुसा है। क्या नाम है माता जी आपका? ये आपके लड़के हुआ? दिक्कत यही हो कि हमरा सनी का रोड जे बनलो छे, रोड अखनी में सनी काटी का पिलर दे रहलो छे, हमरा नहीं रोकल जे छे में सनी मार करे छे, यही देखे बुलल नहीं देबे। मार करे छे तकरो शिकायत थाना में करलो? हां, आज खना करबे करबो। आज एप्लीकेशन देले देबे लिखी के थाना भी आ ग्राम संगठन में भी वहां भी देना। की नाम होले अपना? लीलम देवी। टोटो कहाँ घर है उसका? उसका घर नहीं, बंसी टीकर में। रास्ता घेर रहा है? मना रास्ता में ही उसका बेटा घेर रहा है। तीन चार कोतिया मिल के आता है। कितने दिन से रास्ता था वो? रास्ता तब यहाँ से घर आए हैं तो देखते हैं यही रास्ता है। कौन वार्ड है वो? एक नंबर वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? किसको? आपका नाम? फूलो देवी। पति का नाम? देवी पासवान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुनटुन पासवान। टुनटुन पासवान जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही सर कि वहाँ पर रोड था सदा के लिए पहले पुराना बना हुआ, ऐसे कुछ दिन पहले हम लोग का वहाँ पर रुकावट दे रहा है कि हम लोग बंद कर देंगे। कौन? टोटे करके नाम है और वही गोरख पासवान, पासवान यही सब पासवान, वो सब रोक लगा रहा है। क्या कर रहा है रोक में? क्या पिलर गाड़ना चाहता है? पिलर गाड़ना चाहता है कि रोड यहाँ पर से। इसकी शिकायत आप? मेरा निकला है वहाँ, वो चाहता है। तो इसका शिकायत आपने कहाँ किया? ग्राम कचहरी थाना में दिया जाएगा सर। क्या नाम बताया अपना? टुनटुन कुमार पास। क्या दिक्कत है? रोड पूर्वजों से चल रहा है, पाँच साल रहा ईटा सोलिंग, उसमें कुछ नहीं, वो लोग आरोप डाला, फिर पीसीसी डलाया हो उसमें भी आरोप नहीं डाला, डालने से कम 20-22 साल हो गया। 20-22 साल? हाँ। अब क्या दिक्कत हुआ? अब हम लोग का रास्ता बंद कर रहा है। कौन? टोटो और बुद्धान, मोती पासवान, सोती पासवान, गोरख पासवान। तो इसका शिकायत आप कहीं किए? नहीं, आज हम आवेदन देंगे ग्राम कचहरी मारू थाना में। कौन थाना पड़ता है? सवर थाना। भागलपुर हजडिया मुख्य सड़क पर ऑटो और पिकअप की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे समेत चार पांच लोग घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के अडगांव के मोहम्मद आसिक की पत्नी 45 वर्षीय बीबी मुनिया के रूप में की गई है। वहीं घायलों में मृतका के पुत्र 6 वर्षीय कुर्बान, 25 वर्षीय बीबी रुमाला और उसकी बेटी 3 वर्षीय आफरीन खातून शामिल है। सभी लोग ऑटो से मुस्तफापुर कमाल चक से अपने घर अडगांव जा रहे थे। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जगदीशपुर अस्पताल भेजा गया। इधर सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला का मायके जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कमाल चक में था, वहीं से ऑटो पर अपने गांव जा रही थी, तभी मखना के पास तेज गति से आ रहे पिकअप से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और मौके पर ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोग दौड़े और ऑटो से सभी लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना पाकर जगदीशपुर अस्पताल में परिजन और लोगों की भीड़ जुट गई। उधर दुर्घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों का रोकर बुरा हाल है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मसूदनपुर में खाना में गिरगिट चले जाने पर एनजीओ के द्वारा स्कूली बच्चों को जो खाना खिलाया गया उसमें 12 बच्चे बेहोश हो गए। जानकारी शिक्षक के द्वारा अभिभावक एवं ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद अभिभावक एवं ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सही बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा बारी बारी से शाहकुंड रेफर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर ने इलाज करने के बाद सही बच्चों को सकुशल होने की बात कही।
भागलपुर में दो बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे कि एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में उसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र की रत्तीपुर बैरिया पंचायत के रसीदपुर ग्राम निवासी जाटो मंडल के पुत्र 22 वर्षीय निरंजन मंडल के रूप में की गई है। मृतक फुफेरे भाई शिव कुमार के साथ घोगा से वापस घर की तरफ नाथनगर लौट रहे थे। इसी दौरान 0 माइल चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसके कारण एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। इधर पुलिस ने आधार कार्ड और बाइक नंबर से मृतक की पहचान की, जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का आरोप है किसी ने मारकर फेंक दिया है और सड़क हादसे का रूप दे रहा है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रोने का बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और आगे की प्रक्रिया में जुट गई।